केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू अब मंदिरों का ही शहर नहीं है, बल्कि अब इसे आने वाले समय में कमर्शियल हब के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने ये शब्द शहर के बस स्टैंड में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाई गई मल्टी टाइप पार्किंग का उद्घाटन करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से जम्मू कश्मीर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। 3 वर्षों में प्रदेश के सभी गांव बेहतरीन सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे और लोगों को 24 घंटों बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्किंग की सुविधा शुरू होने से अब जम्मू को कमर्शियल हब बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में मनाने जा रही है। ऐसे स्थानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार स्वयं काम कर रही है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी कलकत्ता जब प्रधानमंत्री जी गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो स्मारक है जिस तरह से भारत सरकार ने बनाया, तो आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर मुबारक मंडी और शेरगढ़ी जम्मू कश्मीर के भी ये दो स्मारक ठीक से विकसित हों, इसकी योजना बनी है। अभी मुकम्मल बन जाएगी तो समय सीमा भी हम आपको बता देंगे कि कब तक ये काम, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कि 6 महीने 1 साल में हो जाएगा, ये लंबे समय तक चलने वाला काम है। 6 महीने में कुछ काम होगा, कुछ 1 साल में होगा, कुछ 1.5 साल में होगा, कुछ 2 साल में होगा, लेकिन यहाँ उसके भी विशेषज्ञ बहुत, मुबारक मंडी के भी जानकार बहुत है, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ हर विषय के जानकार, उसके लिए भी जो लोग आते हैं ऐसी आइडिया लेके आते हैं, मैं दंग रह जाता हूँ। कब पढ़े थे ये? आर्कियोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, हेरिटेज के भी एक्सपर्ट हैं। से केसी चौक की तरफ जब जाते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर का ही रास्ता है। एक योग्य शहर जो गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर से भरा पूरा हो, उसकी झलक देखने को मिले, इसका प्रयास आने वाले दिनों में किया जा रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं? 1 करोड़ का मैंने जिक्र कर दिया ताकि ध्यान में आ जाए। बहुत सारी सड़कें हैं जिनको आने वाले दिनों में ये लोग निर्माण करेंगे। अब योजना बनाना, उसका निर्माण, दृष्टिकोण, कार्यान्वयन, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए। और मैं आप सबसे विनम्रता से बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम हो, इसमें कोई कसर कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर जम्मू शहर बने, देश बन रहा है तो जम्मू को भी बनना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दुख दो मुख्य ऑब्जेक्टिव अगर लेकर के हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तभी रिवर फ्रंट, जू, ये ऐसी चीजें हैं मुझे लगता है कि अनेक वर्षों से लोग सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इस परंपरा को थोड़ा हम लोग विराम देते हैं कि सुनने वाला काम बंद, करने वाला काम शुरू। इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जो अहमदाबाद के लोग हैं उस दिशा में भी कुछ बात आगे हुई है। एक बार जब ये हो जाए कि नहीं अब काम होने वाला है तब मैं आपसे चर्चा करूंगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्द शुरू किया जाए तभी रिवर फ्रंट को भी। हमारे अफसरान भी मौके पर जा करके देखे भी हैं कैसे किया जाएगा, इस पर भी विचार कर रहे हैं। और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये उसमें मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और ये इसके जानकार मनोज सिन्हा भी नहीं है, धीरज गुप्ता भी नहीं है, न चीफ सेक्रेटरी है। जम्मू शहर में बहुत लोग, लेकिन हम खोज रहे हैं दूसरे लोगों को जो वास्तव में इसके एक्सपर्ट हैं, और वो उसी दिशा में काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो प्रमुख बाजार हैं उनका सौंदर्यीकरण, मेट्रो की चर्चा बहुत दिनों से रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मोटे तौर पर उस परियोजना को अंतिम रूप अंतिम चरण में है, और यहाँ से स्वीकृत करके भारत सरकार को हम लोग भेज रहे हैं। 23 किलोमीटर जम्मू में और 25 किलोमीटर श्रीनगर में ये मेट्रो अब कागजों में नहीं रहेगी, मूर्त रूप लेगी। और लक्ष्य है कि 23 दिसंबर में इसे पूरा कर दिया जाए।
साइकिल चलाने वाले और केवल गाड़ी वालों का हिस्सा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका भी इंतजाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर विकास और आवास के लोग कर रहे हैं। अधिक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश हो जा रही है और एक प्रकार की डिजाइन अधिकांश सड़कों की बनाई जा रही है ताकि जो आवे वो उसे समझ सके, दुकानों और मकानों की खूबसूरती भी बढ़ सके। आप सबको ध्यान में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए घोषित की है और मैं उम्मीद करता हूं कि योजना महत्वाकांक्षी है, निवेश भी कालक्ष भी महत्वाकांक्षी। ऊर्जा और हरित क्षेत्र के दिशा में भी कैसे काम हो, निर्माण का शहरी नियोजन और जैव विविधता, क्वालिटी वाटर मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, इन सब बातों का जिक्र अभी पहले किया गया थी। सोशल डिस्टेंसिंग का सब पालन कर रहे थे तो उसमें एक शिक्षा मिली हमें कि शहरों में खुले और हरे भरे स्थान का होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो बड़े बड़े शहरों की हालत क्या हुई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो स्वस्थ रहने की दृष्टि से इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ साथ नागरिकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, तमाम राजनीतिक लोग हैं इसलिए मुझे लगता है कि मुझे चर्चा करनी चाहिए। हर महीने किसी एक छुट्टी के दिन JDA और JMC के सौजन्य से चयनित बाजारों में एक ऑकलैंड शहर न्यूजीलैंड स्ट्रीट फेस्टिवल वहाँ होता है। क्या जम्मू के लोग ऐसा फेस्टिवल महीने में एक दिन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। इससे एकीकृत समाज की भावना जागृत होती है। सोशल मीडिया पर हम संदेश दे करके स्वच्छता अभियान अगर JMC चला रही तो क्या हम कह सकते हैं साहब हम भी जुड़े, आइए आप भी जुड़िए। इस तरह के काम अगर हम करते हैं किसी महीने में एक दिन, जो अच्छे पेंटर हैं शहर में फुटपाथ पर बैठ करके क्या पेंटिंग का काम हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं बजाय ज्ञान देने के कि हमारी विरासत बड़ी समृद्ध है। प्रशासन और सरकार को ये करना चाहिए, आइडियाज देने के बजाय थोड़ा अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा जम्मू हम सब देखना चाहते हैं उसे हम देख सकें। रहने वाले नागरिक उस शहर को अपना मानते हैं और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कम काम इंदौर में रहने वाले लोग नहीं करते हैं। जब वो अभियान शुरू हुआ था मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। ये 213 करोड़ की लागत से बना है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अभी शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही इसे भी शुरू किया जाएगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो लोग देश विदेश यहाँ घूमने वाले बहुत लोग हैं, हम लोगों को कम अवसर मिलता है। आपने गौर किया होगा कि हर शहर का एक स्लोगन होता है, कोई न कोई नारा। जैसे हमारे यहाँ कानपुर शहर, वहाँ मुख्य बाजार में दुकान भी चलती है तो दुकान पर एक नारा लिखा रहता है। एक वहाँ लड्डू वाला है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू और नारा लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसे ही अनेक शहरों के नाते हैं, जैसे जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स, जैसे न्यूयॉर्क में लिखा है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। ऐसे ही अनेक शहरों में ये हमारी पहचान कैसे मिल सकती है, इसे हम कैसे जीवंत रख सकते हैं। और मुझसे अगर कोई पूछे कि जम्मू शहर के लिए क्या नारा होगा तो मेरे हिसाब से द सिटी ऑफ ब्लिस, ये मैं नारा इसके लिए दूंगा या मैं कहूंगा द इटर्नल स्पिरिचुअल सिटी ऑन द अर्थ। काशी की तरह जम्मू भी मैं समझता हूँ भावना से जुड़ा हुआ शहर है। यह मेरी अपनी भावना है। मैं आप सभी का, JDA के लोगों का, नगर के प्रबुद्ध लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में दो पक्षियों के साथ, छूकर निकलती है जो हवाएं तेरे चेहरे को, छूकर निकलती हैं जो हवाएं तेरे चेहरे को, सारे शहर का मौसम गुलाबी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बसंत ऋतु आई है, मौसम गुलाबी हो रहा है तो हम भी गुलाबी हों, इस नगर को भी गुलाबी बनाने में अपना योगदान करें। इतना ही निवेदन करते हुए
मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यही पूरी करता हूं, इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे। अभी नगर निगम ने एक अभियान शुरू किया है सेग्रीगेशन का, सफाई का। अब रैंकिंग में जब देश के शहरों की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू का नाम हम देखते होंगे तो मुझे लगता है हमें भी गर्व होता होगा कि नीचे से कहां हम खड़े हैं। अब गर्व होता है या शर्मिंदगी होती है हमको सोचने का विषय, लेकिन जिसमें स्वाभिमान है मुझे लगता है उसको आज ये संकल्प लेने की जरूरत है कि नहीं, हम भी, हमारी जो जिम्मेदारी, इस शहर को स्वच्छ सब कुछ सरकार कर देगी, प्रशासन कर देगा, मैं समझता हूँ ये दुनिया में कहीं हुआ नहीं, और इसलिए हमको निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम करें। केवल दूसरे पर दोष देना, साहब वो कमिश्नर नहीं कर रही है तो GDA के वाइस चेयरमैन नहीं कर रहे हैं तो सारे कर्मचारी ने खाना, ठीक है ये भी सुधरेंगे, लेकिन हम खुद सुधर करके अगर अपना काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी निश्चित रूप से हम प्रेरणा देंगे कि भाई अब हम इस रास्ते पर हैं, आप भी सही रास्ते पर आइए। एक बड़ा सवाल उभरता है कि आबादी के साथ शहरों के भौतिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सामान्य रूप से ज्यादातर व्यवसायिक वर्ग के लोग शहरों में रहते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाए। अभी कहा गया कि मंदिरों का शहर है, मैं इससे थोड़ा, मेरी राय भिन्न है। ये मंदिरों का शहर था, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे संस्थानों का शहर बना दिया। देश का अकेला शहर है जहां एम्स भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, IIT भी है, IIM भी है, हिंदुस्तान में कोई दूसरा शहर नहीं। आप दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, कलकत्ता किसी शहर में ले लीजिए, ये चारों संस्थान किसी एक शहर में नहीं है। अकेला सौभाग्य जम्मू के लोगों को प्राप्त है। ये मैं मानता हूं कि यह नए जम्मू की दिशा में एक कदम है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, धीरज गुप्ता जी, हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे सभी साथी जिन्होंने मेहनत से इसे पूरा किया है, मुझे लगता है कि वीडियो प्रेजेंटेशन आप सबने देखा है, मैं उसके विवरण में न जाकर के उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब जम्मू कश्मीर कॉमर्शियल हब कैसे बने, मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर हम सबको मिलकर के विचार करने की जरूरत। आध्यात्मिक स्थान है और अगर शब्दों के सागर में इसे समाना हो तो मुझे लगता है कि अगर कॉमर्शियल हब हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में हम बढ़ते हैं, तो ये जो पार्किंग की सुविधा है ये आवश्यक है। शहर पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था, आगे भी इस विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी जम्मू स्मार्ट सिटी बहुत दिन से यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं, मैं भी 6 महीने हो गए, मुझे 6 महीने से मैं भी सुन रहा हूँ। बताया मेयर साहब ने कि यहाँ के कुछ अधिकारी अभी अहमदाबाद गए और अहमदाबाद के लोग यहाँ आए थे, उस प्रेजेंटेशन में मैं भी था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 8 IAS अधिकारी काम करें, 8, और किस तरह से वहाँ परियोजनाएं पूरी हुई हैं, मुझे लगता है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय, उससे कुछ हमने भी सीखा है, हमारे लोगों ने भी देखा है, और उसको समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा किया जाए, इस दिशा में हमारे लोग भी जो उससे जुड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं। स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी हो, इफिशियंट ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। अब धीरज जी ने था छोड़ दिया 7-8 इलाके, जैसे हरी मार्केट, इंदिरा चौक, रघुनाथ बाजार, सालमार रोड, अभी ये पंचतीर्थी में बन रहे, और बताया गया कि अगले साल मार्च तक ये पूरी हो जाएंगे। अब IT टावर भी बहुत दिन से आप लोग सुन रहे थे, NBCC वो काम शुरू कर रहा है और 1.5 साल के पहले ही बन जाएगा, इस काम को भी आगे बढ़ाया गया है। इस शहर में तकरीबन 33 प्रमुख मार्ग, और उनकी स्थिति क्या होगी, हम चाहते हैं टूरिज्म बहुत फैले और यहाँ आइडिया बहुत है। मैं आपको बताऊं जो मुझसे मिलता है वो टूरिज्म का देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है,
चाहे वो परचून की दुकान करता हो, लेकिन आइडिया इतनी अच्छी है उसके पास, जो आएगा वो पन्ने पर 5 इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है। साहब अगर ये हो जाए तो टूरिज्म बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि कोई भी बाहर से आता है तो आपका शहर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इसे भी वो देखता है। इस पर भी थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है। जम्मू के नए और पुराने शहरों, शहर के सड़कों की लंबाई देखें तो ये मोटे तौर पर 20 किलोमीटर के आसपास है, और इसके लिए प्रशासन ने 4 स्ट्रीट नेटवर्क तैयार किया है, और उससे यहाँ आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी और सामान्य नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। किसी ने कहा कि बड़े हादसे होने लगे आजकल तेरे शहर में, बड़े हादसे होने लगे आजकल तेरे शहर में, कोई दिल चुरा ले गया और पता ही न चला रहना साहब। कि आपका मन मोह लेगा और आपको खबर भी नहीं होगी, ऐसा लोग कहते हैं। पिछले कुछ महीनों में जो काम हो रहे हैं उनको अगर मैं शब्दों से परिभाषित करूं तो मेयर साहब ने कहा स्विट्जरलैंड में गया नहीं हूं और मैं चाहता ही नहीं हूं कि जम्मू स्विट्जरलैंड बने, माफ करिएगा मेयर साहब, लेकिन मैं समझता हूं कि यह शहरी पुनर्जागरण है जम्मू का, और उसी को हम अगर पुनर्जागृत कर सके तो ये इस शहर के लिए और शहर के रहने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा। मुझे याद है अक्टूबर महीने में बैक टू विलेज के साथ साथ एक माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम भी हुआ था 2 दिन का। इस जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी 5 करोड़ रुपए शासन की ओर से दिए गए। कुछ काम हो रहे हैं, इको सिस्टम कैसे तैयार होगा इस पर विचार उसमें किया गया है, उस दिशा में काम भी हो रहा होगा। और अर्बन लोकल बॉडीज को कैसे प्रभावी बनाया जाए, धीरज गुप्ता जी ने उसका विस्तार से जिक्र किया है। ये मैं समझता हूँ कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि वास्तव में जमीनी स्तर पर हमारे प्रशासन की पूरी मनसा है कि इसे जमीन पर हम उतारना चाहते हैं, और इसके दिशा में जो कदम है वो कर रहे हैं। स्टेक होल्डर से भी चर्चा हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2021 में जो परियोजना यहाँ प्रारंभ की गई थी उसे धीरज गुप्ता जी ने आज पूरा कर दिया है। मैं सोच रहा था और मुझे जो बताया गया कि पिछले 2-2.5 वर्षों में ही मुख्य रूप से काम हुआ है। अगर सामान्य रूप से आप जम्मू कश्मीर के बजट को देखें तो मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो पिछले साल देश की संसद ने पारित किया, इस साल थोड़ा बढ़ गया है। उसके पहले 90,000 करोड़ रुपए। जब दूसरे राज्यों को हम देखते हैं और उनसे तुलना करते हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को आसानी से मुझे लगता है 1 करोड़ रुपए, आबादी 12 करोड़, और ये कोई 2-3 साल में नहीं हुआ, ये आजादी के बाद से ही। अगर बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर के बजट को देखेंगे तो 5 गुना 6 गुना बजट यहां मिलता रहा। अगर सरकारी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट इंप्लाइज को हम देखें तो बिहार में 3.5 लाख, जम्मू कश्मीर में लगभग 5 लाख। अगर दूसरी तरफ निगाह ले जाते हैं तो रोज धरना कि हम 3,000 पर हैं, कई साल से हैं, लिख के दिया गया कि 7 साल बाद स्थायी कर दिए जाएंगे। हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि देश के बाकी राज्य जिस तरह से गुड गवर्नेंस के आधार पर चलते हैं उस आधार पर जम्मू कश्मीर को भी चलना चाहिए। सामान्य रूप से आप देखें देश के दूसरे राज्यों में, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों की अगर बात करूं तो ये कोई गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की तरह विकसित राज्य नहीं थे, ये भी पिछड़े हुए राज्य थे। लेकिन मैं भी गांव से आता हूं, अब वहां गांव को सड़क से जोड़ना ये समस्या नहीं रह गई। पिछले 6 वर्षों में, खासतौर से 2000 में जब श्रद्धेय वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई,
तो मोटे तौर पर पहला जो मानक था 1000 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 500 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 250 की आबादी के ऊपर के गांव, ये गांव सड़क से जुड़ गए। सामान्य रूप से यूपी बिहार जैसे राज्यों में भी गांव में 20 घंटे 22 घंटे बिजली रह रही। यहां आने के बाद योजना बनानी पड़ी है कि कैसे यहां के हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, हर गांव तक बिजली कैसे पहुंचाई जाए। मुझे लगता है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरा मीडिया के भी साथी हैं, रोज अच्छी अच्छी खबरें भी लिखते हैं और प्रबुद्ध लोग भी हैं जम्मू नगर के, इनको विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये जो एक सभ्य समाज की न्यूनतम नागरिक आवश्यकता है, बजट इतना बड़ा होने के बावजूद भी हम प्राप्त नहीं कर सके। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने इसकी कार्य योजना हम सबने बनाई है और खुलेआम खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि ये 3 वर्ष में अब कोई गांव नहीं होगा जहां सड़क नहीं होगी, बिजली भी 24/7 क्वालिटी पावर मिले, इसकी योजना हम सबने बनाई है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हमारी दिक्कत यह है कि अगर यहां पार्किंग बन भी जाए तो जम्मू के दूसरे हिस्से वाले लोग कहेंगे कि साहब यहां बन गया तो क्या वो हमारा क्या होगा। सब कुछ एक ही साथ चाहते हैं, ये मानव स्वभाव है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में, नहीं तो पड़ोसी के घर में, ये मानव स्वभाव। इसमें कोई तो मैंने थोड़ा विषय से हटकर ये बात कही, मैं उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस परियोजना को पूरा करने में अपना योगदान दिया है, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और भी जो परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र अभी धीरज गुप्ता जी ने किया है, मैं थोड़ा बहुत जिक्र करूंगा, उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो भी आगे समय से पूरा हूँ। अगर मोटे तौर पर जनसंख्या को आप देखें तो 35-35% लोग शहरों में रहते हैं और जो अनुमान है कि आने वाले दिनों में 8-9 सालों में यह संख्या 41-42% होने वाली। अगर सकल घरेलू उत्पाद को देखें तो उसमें नगरीय क्षेत्रों का मैंने शहरों का 63% योगदान, और एक आकलन है कि 9-10 साल बाद ये योगदान 75% होने वाला है। जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर नगर कैसे होने चाहिए, मुझे लगता है कि ये केवल नगर विकास का विभाग या आवास का विकास का विभाग, GDA या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर। और अब स्मृति चिन्ह हम भेंट करेंगे इसके लिए।